अम्बाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार एक बार फिर से नाराज दिखे। इस बार परिवहन मंत्री को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि एक किसान को लोन देने के लिए बैंक बार बार चक्कर कटवा रहा था। जब मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बैंक मैनेजर से इस बारे बात की तो उन्हें भी वहां से यह जवाब मिला कि आप रीजनल दफ्तर में बात करें, जिसके बाद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि यदि बैंक मैनेजर द्वारा भविष्य में ऐसी गलती की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 रजिस्टर समस्याएं परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के समक्ष रखी गई, जिसमें से 9 समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया और बाकी 3 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। आज बैठक के दौरान ग्रामीण बैंक की मैनेजर के व्यवहार से परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार नाराज दिखाई दिए। दरअसल एक किसान को 50,000 का लोन चाहिए था, लेकिन बैंक उसकी जमीन गिरवी रख उसे ज्यादा लोन के लिए मजबूर कर रहा था, जिसके बाद शिकायत परिवहन मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने बैंक मैनेजर से फोन पर बात की तो उन्हें भी आगे से 2 टुक जवाब बैंक मैनेजर ने दिया और कहा कि आप रीजनल दफ्तर में 10 को लेकर बात करें। जिसके बाद परिवहन मंत्री ने आज महिला बैंक मैनेजर से कहा कि आपका रवैया मेरे साथ ऐसा है तो आप लोगों के साथ कैसा होगा। उन्होंने कहा भविष्य में किसी किसान को लोन के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, बैंकों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आदेश है, तो किसान है जो पूरे देश का मेहनत का किसान पेट भर जो अन्न प्राप्त करवाता है, जो इतनी मेहनत करके उसको जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। एक किसान वहां पर लोन लेने के लिए गया था, उसको डिनाई कर दिया गया, जबकि खुद मैंने बैंक के अधिकारी से खुद मैंने फोन पर बात की, उसने मुझे भी कहा कि रीजनल ऑफिस में बात करे। तुरंत मैंने डीसी को आदेश दिए थे उनको गर्वेंसीज में बुला जाए, तो सामने मैनेजर आई थी, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को गलती मानी है और उसको लोन देने के लिए तो 70,000 मांग रहा था, उन्हें 1,00,000 की भी हाँ की, हम 1,00,000 तक भी इसको लोन देंगे और भविष्य के लिए हमने उनको आदेश दिए हैं। इस प्रकार से कोई शिकायत मिली तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।